जी सर नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार से, बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से है, अच्छा ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF SDRF जो भी है सर, हमें हर हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे, बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे कुछ मनोरंजन के लिए कुछ हम लोग के हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे NDRF के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया, बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर ना जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें, यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी। और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा, लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतज़ार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूँ आपसे। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत सर। जय हिंद सर। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। 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 भाई आपके जो नारे हैं ना, देश सुनकर के आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।